हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। आज बात करेंगे सेट नंबर 8 केमिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसमें देखेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 176 से 175 क्वेश्चंस अपन कवर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यह है कि इनमें से अपने को सुमिलित नहीं है उसका पता लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन अपने सामने दे रखे हैं। सुक्की ब्रप है, क्या इसको अपन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं, ये सही है। मस्टर्ड गैस है, मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में उपयोग किए जाने वाला जहरीला लिक्विड है। बिल्कुल है, सही। रासायनिक युद्ध हुआ था, जो भी केमिकल वार हुआ था उसके अंदर मस्टर्ड गैस का यूज किया गया था। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या एक पॉलीमर युक्त फ्लोरीन है? बिल्कुल है, सही, पॉलीमर है टेफ्लॉन भी। फ्लोरीन की बात करेंगे, फ्लोरीन फ्लोरीन वाला कार्बनिक यौगिक है। क्या फ्लोरीन के अंदर फ्लोरीन होता है क्या? नहीं, फ्लोरीन का मतलब क्या है? फ्लोरीन है कार्बन का अपर रूप, जैसे कि हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कार्बन का यौगिक नहीं है, फ्लोरीन का यौगिक नहीं है, बल्कि ये कार्बन का अपरूप है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 177। कौन सा लुइस एसिड नहीं है? लुइस एसिड ध्यान दीजिएगा, लुइस एसिड और लुइस बेस एग्जाम में पूछा जाता है। लुइस एसिड वो होता है जो एक्सेप्टर होता है, और एक्सेप्ट भी किसको करेगा? एक पेयर को, यानी बॉन्डिंग पेयर होता है उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर लुइस बेस की बात करेगा तो बेस क्या करेगा? डोनेट करेगा, डोनर होगा, किसको? पेयर को डोनेट करेगा। यानी इलेक्ट्रॉनों का जो एक पेयर होता है उसको यदि कोई एक्सेप्ट करता है उसको लुइस एसिड कहते हैं, यानी एच प्लस कहते हैं। यदि कोई भी जो डोनेट करेगा, एक पेयर को डोनेट करेगा, उसको बोलते हैं अपन बेस। तो यहाँ पे आप देखोगे अमोनिया, NH3, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 5 में से 3 तो हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेंगे, फिर इसका एक पेयर बचेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे या एक पेयर बचेगा। अब ये एक पेयर भी डोनेट होने के लिए तैयार है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये डोनेट करने के लिए तैयार है, यानी फिर भी ये डोनर बनेगा, तो यानी अपन इसको बोलेंगे लुइस बेस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सी के साथ में। तो NH3 क्या एक लुइस बेस है, ना कि लुइस एसिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लुइस एसिड होता है उसके अंदर लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। दूसरी बात आप बात करोगे लुइस बेस की, तो उसके अंदर होता है डोनर होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ आप देखिएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 यहाँ से बॉन्डिंग बनाने के लिए तैयार होता है, फिर भी इसके पास एक पेयर बचता है डोनेट करने के लिए, और इसी वजह से ये क्या बनेगा? लुइस बेस बनेगा। आप सब कुछ चीज़ें यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो मैंने समझाई वही यहाँ पर लिखी हुई है। निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में नहीं होता है? लिक्विड स्टेट में नहीं होता, सोडियम, ब्रोमीन, मर्करी या सीजियम। तो आप देखो ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो रूम टेम्परेचर, जिसको अपन अप्रॉक्सीमेट 27 डिग्री सेंटीग्रेड या कहे तो 300 केल्विन मानते हैं, रूम टेम्परेचर को अपन इसको मानते हैं, ठीक है। इस टेम्परेचर के ऊपर कौन सा लिक्विड नहीं है? तो सोडियम लिक्विड स्टेट में नहीं होएगा, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर बात करें ब्रोमीन, मरकरी, सीजियम और इनके अलावा भी कुछ और एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सीजियम हो गया, रूबिडियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, गैलियम हो गया, ये सभी लिक्विड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो जरूरी मरकरी आपका ब्रोमीन ही रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में हो, सीजियम, रूबिडियम, फ्रांसियम, गैलियम ये सब भी लिक्विड स्टेट के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 179। पौधों को नाइट्रोजन किसके रूप में प्राप्त होता है? ध्यान दीजिए, वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन होता है 78% होता है, फिर भी अपन बाहर से पौधों के अंदर, खेतों के अंदर यूरिया डालते हैं ताकि उसको नाइट्रोजन मिले। तो वातावरण के अंदर इतना नाइट्रोजन उपस्थित होने के बाद भी ऊपर से यूरिया डालने की क्या ज़रूरत है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो पौधों को जो नाइट्रोजन चाहिए वो उस मात्रा के अंदर, जिस फॉर्मेट के अंदर चाहिए वो फॉर्मेट के अंदर नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं हो पाता। अब यही बताना कि किस फॉर्मेट के अंदर पौधों को नाइट्रोजन चाहिए, तो वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ के नाइट्रेट के साथ में। नाइट्रेट फॉर्मेट के रूप में ये पौधों को नाइट्रोजन चाहिए। अमोनिया, NH4+, नाइट्रेट मिट्टी में नाइट्रोजन के प्रमुख एक कार्बनिक रूप है। पौधे आमतौर पर नाइट्रेट से नाइट्रोजन का यूज करते हैं, जो 75% नाइट्रोजन अवेलेबल है उसका यूज नहीं करते बल्कि नाइट्रेट से नाइट्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है। तभी अपने को नाइट्रेट डालने के लिए अपन यूरिया डालते हैं ऊपर से। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 180। चिकित्सकों द्वारा संज्ञाहरण के रूप में उपयोग की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? लाफिंग गैस यूज एज द एनेस्थीसिया बाय द डॉक्टर। ऑपरेशन करने के लिए एनेस्थीसिया के रूप में डॉक्टर के द्वारा कौन सी गैस यूज में ली जाती है, ये अपने को बताना है। यहाँ पे लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड को एनेस्थेसिया के रूप में भी यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड के साथ। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, डेली बेसिस के ऊपर रेगुलर वीडियोज़ को देखते रहिएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है। इसकी गंध वो मिट्टी होती है, और इसका स्वाद वाली रंगहीन गैस है। क्यों सुना सकता है कि किस प्रकार की गैस है, कलर कैसा है इसका? तो आपको बताना है रंगहीन गैस है।
इसका उपयोग अपन कह सकते हैं एज ए एनेस्थेसिया के रूप में किया जाता है। पानी में आसानी से घुलनशील क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया या आयोडीन। दिए गए ऑप्शन में से बताना कि पानी के अंदर सबसे इजीली घुलनशील कौन सा, तो आपका आंसर हो जाएगा अमोनिया के साथ में। अमोनिया बहुत ही इजीली घुल जाता है, इजीली घुलनशील पूछा गया, आसानी से घुलनशील, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अमोनिया। क्यों? अमोनिया के अंदर पोलर मॉलिक्यूल होता है, ध्यान दीजिए, ध्रुवीय अणु होते हैं जो आसानी से घुल जाते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे का? रीजन अमोनिया क्यों घुल जाता है, क्योंकि अमोनिया के अंदर पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं, ध्रुवीय अणु होने के कारण पानी में आसानी से घुल जाते हैं। आगे चीज़ें इसमें देख सकते हो, ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया विच आर बॉन्डेड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन होता है, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्डेड होता है। इसी प्रकार आप बात करोगे जल के अंदर, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के साथ में बॉन्डेड होता है। कौन? जल के अंदर हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डेड होता है, और अमोनिया में जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ में बॉन्डेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है? कॉमन एलिमेंट पूछना है, बताना है जितने भी एसिड्स हैं। एसिड की बात करेंगे तो अपन एच प्लस आयन से रिलेट करेंगे, और एच प्लस आयन का मतलब अपन किससे रिलेट करेंगे? ज़्यादातर जितने भी हैं उनके अंदर हाइड्रोजन कॉमन एलिमेंट होता है, जितने भी एसिड्स होता है, जैसे कि सपोज एच सी एल के एसिड है, तो इसमें अपन बात करेंगे एच है वो एक हाइड्रोजन हो गया। और इसी प्रकार अगर बेस की बात करें तो उसमें जो कॉमन एलिमेंट होता है वो होता है ओ एच माइनस। मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? एप्पल, विनेगर, मिल्क या लेमन। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सेब और नाशपाती जैसे कोई भी फ्रूट्स हो उनके अंदर पाया जाता है मैलिक एसिड, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल के साथ में आपका जो सेब हो गया, ये हो गया, एप्पल हो गया, नाशपाती हो गया, जिसको अपन पियर्स बोलते हैं, इनके अंदर भी ये मैलिक एसिड पाया जाता है बहुतायत के अंदर। इनको अपने को क्या करना है? सूची वन और सूची टू को मेल करना है, और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके उत्तर देना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको आप क्या लोगे? स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे, एल्काइली लोगे, या एसिड लोगे, या बेस लोगे? आगे आपको दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं, एसिडिक एसिडिक एसिड दे रखा है आपको CH3COOH जिसको बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है HCl। तो इन सबको अपने को मैच करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा वीक होता है। अपने को पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको अपन स्ट्रॉन्ग एसिड में लेते हैं, और इसको स्ट्रॉन्ग बेस में लेते हैं अपन, ठीक है। इस तरीके से इन सबको अपने को मैच करना है, तो अपन मैच कर लेते हैं। बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको एल्काइली लिया गया, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड को अपन ने बेस लिया है कैल्शियम ऑक्साइड, और एसिटिक एसिड है इसको ले लिया एसिटिक एसिड, वीक एसिड, और ये आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस तरीके से इन सबका मैच किया गया, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, इसको भी अपन एज ए बेस के रूप में लेते हैं, और एल्काइली के रूप में भी लेते हैं सोडियम होने की वजह से। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ये हो गया आपका एल्काइली, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया आपके पास में बेस, एसिटिक एसिड हो गया आपके पास में वीक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो चुका आपके पास में स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्बल अम्ल कौन सा है? विच ऑफ वन इज द वीक एसिड? साइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाएगा साइट्रिक एसिड के साथ में, ये वीक एसिड है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉश में इस्तेमाल होने वाला एसिड कौन सा है? द एसिड यूज इन आई वॉश, आई वॉश आंखों की धुलाई के लिए, आंखों को साफ करने के लिए कौन सा एसिड यूज में लिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्जेलिक, नाइट्रिक, बोरिक या नन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाने वाला सी के साथ में, बोरिक एसिड आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बोरिक एसिड क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा आपको स्मूथ रिलीफ फ्रॉम आई इरिटेशन, आई के अंदर इरिटेशन होता है उससे रिलीफ देते हैं, और हेल्प करेगा रिमूव पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द आई सच एज स्मोक, क्लोरिन या अदर केमिकल्स। जितने भी केमिकल्स हैं उनको हटाने के लिए, पोल्यूटेंट्स हैं उनको हटाने के लिए मदद करेगा बोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रेंसिडी जो वसा और तेलों के ऑक्सीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे किस में परिवर्तित होता है? रेंसिडिटी यानी जो सड़न होते हैं उससे मतलब है, रेंसिडिटी का मतलब सड़न से, जो वसा और तेलों के ऑक्सीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे क्या होता है, किस में परिवर्तित कर सकते हैं? केवल भोजन का स्वाद परिवर्तित होता है, भोजन की गंध होती है, या स्वाद या गंध दोनों परिवर्तित हो जाता है। जैसे भोजन का सड़ेगा, सड़ना स्टार्ट होगा, उसका ऑक्सीकरण होना स्टार्ट होगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, दोनों का स्वाद और गंध दोनों चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न चार तत्वों में से किसकी आयनीकरण कैपेसिटी सबसे अधिक है?
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयनीकरण क्षमता या आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी एटम होता है, इस एटम से बाहर से जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी जरूरत है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितना विभव की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आर्गन। आर्गन किस में आता है? ग्रुप नंबर 18 के अंदर आता है, जिसको अपन ग्रुप नंबर 0 भी बोलते हैं। इसके अंदर आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेंडोन, ये सब आता है। इसको ग्रुप 0 बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसकी जो आउटर शेल है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, इसके अंदर कोई भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन नहीं है। बाकी अब इनमें देखोगे, इनमें कोई ना कोई वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जरूर प्रेजेंट होगा, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, कितने भी हो, इनके अंदर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जरूर प्रेजेंट होगा। आर्गन के अंदर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कोई भी प्रेजेंट नहीं होता, यानी ये बिल्कुल कंप्लीट सेल होगा। इसके अंदर जितने भी स्थाई होगा, यानी बिल्कुल स्थाई रहेगा, 2, 8, 18, यानी जितने इसके अंदर आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन चाहिए स्थायित्व के लिए, वो इतने जरूरत है। अब यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन कैपेसिटी किसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी? आर्गन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्षार धातु में निम्न में से कौन सी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? क्षार धातु की बात करें तो क्षार धातु कौन कौन सी होती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अल्काली मेटल्स कौन सा होते हैं? जो ग्रुप नंबर 1 होता है, जिसके अंदर क्या होता है, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब कुछ होता है ग्रुप नंबर 1 के अंदर। तो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सा होगा? जो सबसे नीचे नीचे वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा? रुबिडियम। रुबिडियम के बाद में सीजियम ये आ रहा है, तो यानी ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसके बारे में और देख सकते हो आप। इस समूह में सीजियम और फ्रांसियम सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है, अगर वे पानी के संपर्क में आते हैं तो क्षार धातुएं फट सकती हैं, यानी एक्सप्लोड जो हो सकती है किसके साथ में, इसीलिए इनको क्या होता है, केरोसिन ऑयल के अंदर डुबो के रखते हैं। निम्न में से किसमें अधिकतम चालकता होती है, विच हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी? आपने देखा होगा सिल्वर की सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है, चालकता सबसे ज़्यादा होती है। जिसकी सबसे ज़्यादा चालकता होगी उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे आपके पास में सिल्वर नहीं दे रखा, तो उसके बाद में आपको कॉपर दे रखा है, तो कॉपर की चालकता सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद में गोल्ड की चालकता होती है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर तत्व कौन सा होता है? पृथ्वी के अंदर पूछा गया, एनवायरनमेंट के अंदर पूछा गया, सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पूछा गया कि ऑक्सीजन के बाद में कौन सा है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन के साथ में। ध्यान दीजिएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको अपन POP बोलते हैं, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O होता है, ठीक है, ये रासायनिक रूप से क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्जेलेट। यहाँ पे SO4 आ गया, यानी अपना आंसर हो जाएगा एक के साथ में कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। इसको किससे प्राप्त करते हैं अपन? जो भी जिप्सम होता है अपने पास, GCaSO4.2H2O, ये फॉर्मूला है जिप्सम का। जब आप जिप्सम को गर्म करोगे टेम्परेचर के साथ में, तो आपको मिलेगा क्या, CaSO4.5H2O, और ये कहलाता है POP। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, कहाँ सा होता है ब्रॉन्ज का पूछा गया, ब्रॉन्ज किस किस का मिश्रण है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है टिन के साथ में। ब्रॉन्ज है वो कॉपर और टिन का मिश्रण है, ध्यान दीजिएगा, ब्रॉन्ज पूछा गया ना कि आपके ब्रास पूछा गया, ब्रॉन्ज होता है कॉपर और टिन का, ठीक है। इसका कंपोजिशन वेरी कर सकता है, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर जितने भी ब्रॉन्ज होते हैं उनके अंदर 88% कॉपर होता है और 12% टिन होता है, तो इस तरीके से इनका जो रेशियो होता है वो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें कॉपर का परसेंटेज अधिकतम होता है? सबसे ज़्यादा कॉपर किसमें होता है? तांबा, पीतल, जर्मन सिल्वर, डेल्टा मेटल, इनमें कॉपर होता है। और सबसे ज़्यादा किसके अंदर कॉपर देखने को मिलेगा? तो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा पित्तल के अंदर, जिसको अपन ब्रॉन्ज बोल देते हैं पित्तल, ठीक है, पित्तल के अंदर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। कितना होता है? ब्रास के अंदर होता है कॉपर होता है लगभग इतना, 78 से 71%। ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज के उत्तर होता है 88%। ब्रॉन्ज को अपन कासा बोलते हैं, ब्रास को पित्तल बोलते हैं, ये थोड़ा इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पे गलत हो रहा है। ब्रॉन्ज के अंदर होता है 88% कॉपर, 12% टिन, जर्मन सिल्वर होता है इसके अंदर 50% कॉपर होता है, और जो डेल्टा होता है इसके अंदर 60% कॉपर होता है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 195, पित्तल, कांसे और जर्मन सिल्वर, ब्रास, ब्रॉन्ज और जर्मन सिल्वर, ये तो आपका पित्तल हो गया इंग्लिश टर्म देखिएगा, ब्रॉन्ज हो गया आपके पास कासा, और जर्मन चांदी में आम घटक के रूप में कौन सी धातु मौजूद होती है, कॉमन एलिमेंट कौन सा होता है? तो सबसे कॉमन एलिमेंट होता है इनके अंदर कॉपर, और अभी अभी हमने पीछे इनका रेशियो भी देख लिया किस में कितना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जंग मुक्त बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? इंपॉर्टेंट मेटल यूज्ड विद आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है ताकि उसके ऊपर जंग ना लगे, और इस प्रोसेस को अपन कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अलग तरीके से बनाए, इसमें कहा कि जंग मुक्त बनाने के लोहे के साथ प्रयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण धातु, यानी लोहे के अंदर अपन क्या मिला देते हैं, लोहे के अंदर अपन क्रोमियम मिला दें तो अपने को एज ए स्टील का फॉर्मेट मिलेगा। क्वेश्चन अलग तरीके से है, इसमें गैल्वेनाइजेशन वाला नहीं पूछा, आपसे अलग तरीके से पूछा। यदि लोहे के साथ में आप क्रोमियम मिला देते हो, निकल मिला देते हो, इसका मतलब वो आपका एक स्टील फॉर्मेट बन जाएगा, और स्टील फॉर्मेट के ऊपर लोहे की तुलना में बहुत कम जंग लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्रोमियम। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनेशन में निम्न में से कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? तो इसमें निकल का यूज किया जाता है, किसके लिए? वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनेशन में। और इसके अंदर आप देख सकते हो हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल से वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ में, हाइड्रोजन गैस के साथ में। और निकल कैटलाइस्ट है, वो यूज किया जाता है स्पीड अप करने के लिए रिएक्शन को, तो आपको ध्यान देना है निकल। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? SF6 जिसको अपन बोलते हैं, इसका बताना कि आकार कैसा होता है। ऑप्शन आपके सामने त्रिकोणीय, अष्टभुजाकार, प्लानर या चतुष्फलकीय। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला बी के साथ में, अष्टभुजाकार होता है SF6 का साइज। इसमें आप देख सकते हो SF6 है वो एक इनऑर्गेनिक है, कलरलेस है, ऑड्यूरलेस है, ऑड्यूर यानी गंध, एंड नॉन फ्लेमेबल कंपाउंड होता है। SF6 हैज एन ऑक्टाहेड्रल शेप, यानी अष्टभुजाकार शेप होती है। इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अराउंड द सेंट्रल सल्फर आयन एटम्स, और दिस मीन्स देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज इन ऑक्टाहेड्रल शेप। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा होता है जिसको अपन खाने का सोडा बोल सकते हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके साथ में Na2CO3 होता है, इसको अपन बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, या कहे तो इसको धावन सोडा बोलते हैं, या अपन बोले तो वॉशिंग सोडा इसको बोलते हैं। ये हो गया वॉशिंग सोडा और ये हो गया बेकिंग सोडा। यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी के साथ में। आज का लास्ट क्वेश्चन अपने सामने, सिरका को रासायनिक रूप से जाना जाता है, विनेगर इज केमिकली नॉन एच। ऑप्शन आपके सामने एसिटिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या टार्टरिक एसिड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड के साथ में, CH3COOH जिसको अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा, और वाटर और एसिटिक एसिड के मिश्रण से अपन विनेगर तैयार करते हैं। तो ये था अपना सेट नंबर 8, 200 क्वेश्चंस कवर कर चुके, 200 फिजिक्स के क्वेश्चंस कवर कर चुके। वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और जल्दी अपन इन क्वेश्चंस के अंदर अपन वो क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो JEE और ALP एग्जाम्स में पूछे गए थे, तो पहले हमें उन्हीं क्वेश्चंस को साथ में शामिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।